हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में मेरे पास है वीवो Y81। गाइस, इसमें जो है ना ये स्टक ऑन लोगो है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हैंग ऑन लोगो का फ़ोन सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, अगर आप उसे सॉफ्टवेयर में रिपेयर करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी ये जो चार्जिंग एम्पेयर कंजप्शन है वो ठीक ठाक है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अभी तक जो नॉलेज कह रही है उसके बिहाफ पे मैं ये गेस कर रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो है ना बैटरी का इंडिकेशन भी दे रहा है ऑन करने के बाद जो वो फर्स्ट लोगों पे स्टक है। तो आप क्या करेंगे, रिकवरी मोड पे जाएंगे। तो यहाँ पे रिकवरी मोड के लिए मैं वॉल्यूम अप और पावर की को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। Y81 का मॉडल है गाइस, और यहाँ पे अभी जो है ना देखिए, मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप, और पहले तो मैंने इसे वॉल्यूम अप डाउन तीनों दबा के ऑफ़ किया, और फिर जैसे ये ऑफ़ हो गया तो मैंने वॉल्यूम अप और पावर को दबा के रखा तो ये रिकवरी मोड में चला गया। अब यहाँ पे हमें जाना है वाइप डाटा पे, ठीक है। तो वाइप डाटा पे जाने के बाद जो है ना हम क्लियर अर्ज पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। वैसे बेसिकली ये आपको ट्राई कर लेना है, समटाइम जो है ना इससे भी फ़ोन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे वाइप डाटा पे या फॉर्मेट भी कर, वाइप डाटा इन द सेंस की फॉर्मेट, तो अगर आप फॉर्मेट करने जा रहे हो तो वहाँ पे पैटर्न पूछेगा। अब पैटर्न तो इसका याद है क्योंकि ये हैंग ऑन लोगो फ़ोन है, तो कस्टमर से मैंने पैटर्न कंफर्म करके इसे हार्ड रिसेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे रिकवरी से, ठीक है। तो लेकिन अभी मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ये पार्टीशन को मैंने क्लीन किया है, ठीक है। तो रीसेट सेटिंग्स भी करके आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है रीसेट सेटिंग्स का, तो वो भी आप करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पार्टीशन को क्लियर किया और ये हो गया विदाउट पैटर्न, क्योंकि अभी तक मुझे पैटर्न याद नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, पैटर्न याद नहीं था तो फिर बाद में हैंग ऑन लोगो ही था, तो फिर पैटर्न लेके हमने हार्ड रीसेट कर दिया। अब इसके अंदर FRP की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि FRP जो है वो रिमूव करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अनलॉक टूल का जो UMT का अपडेट आया, सॉरी, तो उस अपडेट में जो है ना क्या करना होता है, PL का DR जो एड्रेस है अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है ना वीवो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना फॉर्मेट FS जो ऑप्शन आता है आपका, वहाँ पे आपको फॉर्मेट FRP पे सेट कर लेना और एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद जो है ना ये पोर्ट का वेट करेगा, तो आपको वॉल्यूम अप डाउन दोनों दबा के USB को कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे फ़ोन को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अभी जो है मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे देखो इस तरीके से पोर्ट जैसे ही बनाएगा तो फ़ोन जो है वो उठा लेता है यहाँ पे। तो पोर्ट बनने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक आपकी FRP लॉक जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है वो उठा लिया, थोड़ा सा टाइम लेगा DA सेलेक्ट करने में। DA सेलेक्ट होने के बाद जो है ना ऑटोमेटिक प्रोसीड हो जाता है ये, आपको कुछ नहीं करना होता, खाली सिंपली एग्जीक्यूट करना होता है। वैसे मेरे GSM आकाश टीम करके एक चैनल है, वहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप वहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो, और मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ओवरऑल यहाँ पे FRP जो है वो रिमूव हो गए, और अभी FRP रिमूव के बाद जो है, वैसे तो वाइप डाटा करने के बाद भी फ़ोन जो है वो चालू हो चुका था, बट FRP बाकी थी। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो मैंने FRP को रीसेट भी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए गाइस कि किस तरीके से आप UMT को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और UMT का MTK का जो लेटेस्ट सेटअप है उसे मैंने यूज़ करके बताया Y81 में, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये फ़ोन पूरा ओके हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।